हाय गाइस, क्लास वन टेक आउट योर रूट स्टॉक बुक बेटा। रूट स्टॉक बुक टेक आउट कर लीजिए और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लीन एंड हेल्दी बॉडी। ओके, क्लीन एंड हेल्दी बॉडी ये चैप्टर है और ये चैप्टर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लीन एंड हेल्दी बॉडी व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो क्लीन मीन्स क्या? क्लीन मीन्स साफ सुथरा, ठीक है, साफ रखना। और हेल्दी बॉडी मीन्स अपनी बॉडी को, जो आपकी बॉडी है उसको डिजीज फ्री करना, ठीक है। कोई भी बीमारी आपको ना हो तो आप क्या है, आप हेल्दी बॉडी, यानी आपकी बॉडी जो है बहुत हेल्दी है, ठीक है। अब देखिए क्या करें कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, क्लीन रहे। व्हाट वी डू, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, सो के उठते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह सो के उठने के बाद क्या करते हैं भाई, फ्रेश होते हैं हम। सबसे पहला काम फ्रेश होना। फ्रेश होने के बाद हम ब्रश करते हैं, टीथ को साफ करेंगे अपने। फिर इसके बाद ब्रश कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाओ। एक्सरसाइज करने के बाद क्या करते हैं, फिर बाद नहाते हैं। नहाने के बाद अपने शरीर को पोछते हैं सूखे कपड़े से। पोछने के बाद हम वेल प्रेस्ड क्लोथ्स, यानी कि अच्छे से आयरन किए हुए क्लोथ्स जो है वो हम पहनते हैं, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि और हम स्मार्ट दिखें। फिर क्या करते हैं, अपने हेयर को कॉम्ब करेंगे हम, ठीक है, बाल काटेंगे। इसके बाद फिर क्या करते हैं, नेल्स को ट्रिम करेंगे। अगर आपके नेल्स बड़े बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रिम करेंगे। नहीं ट्रिम करेंगे तो क्या होगा, आपके नाखूनों में भाई जर्म्स, गंदगी जमा हो जाएगी। और फिर अगर आप कोई भी फूड, ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या होगा, वो जर्म्स जो आपके नेल्स में है वो क्या होंगे, आपके स्टमक में चले जाएंगे और आपको बीमार कर देंगे वो जर्म्स, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, हम अपने नेल्स की सफाई करेंगे, अगर बड़े हैं तो उनको ट्रिम करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोई भी फूड, ठीक है, व्हेन वी ईट एनी काइंड ऑफ फूड, जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खाने से पहले हम अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, ठीक है, अपने हाथों को धोते हैं अच्छे से रगड़ के, भाई 20 सेकेंड 20 सेकेंड्स तक हम अच्छे से रगड़ के साफ करते हैं अपने हाथों को। फिर उसके बाद हम अपना भोजन करते हैं। फिर भोजन करने के बाद भी अपने हाथों को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारी बॉडी को भाई आराम की जरूरत होती है, बहुत सारी एक्टिविटी हम दिन भर करते हैं तो इसके बाद हमारी बॉडी को आराम की जरूरत होती है। तो भाई हमें रात में जल्दी सो जाना चाहिए, ठीक, और हमें करीब 1 आवर्स तक सोना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, प्रॉपर आराम मिल सके, ठीक है। और जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका बॉडी फ्रेश फील करेगा, ठीक है, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अब आइए फूड, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फूड। पहला एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड प्रोटेक्टिव फूड, थर्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। फर्स्ट देखिए एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है। एनर्जी गिविंग फूड ऐसे फूड होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। कोई भी वर्क हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उनके इसके लिए भाई जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी गिविंग फूड यानी ऐसे फूड जिन
जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, उनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब क्या है एनर्जी गिविंग फूड? रोटी खाते हैं, चपाती, उससे हमें एनर्जी मिलती है। राइस, चावल, उससे हमें एनर्जी मिलती है। शुगर है, ब्रेड है, पोटैटो, आलू खाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब जो है एनर्जी गिविंग फूड है। अब सेकेंड पे आइए, क्या है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड ऐसे फूड होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, बीमारियों से हमें बचाते हैं। कौन से फूड हैं? आपके वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या है? ये सब आपको बचाते हैं डिजीज से, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड है ये सब। थर्ड जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे क्या होता है भाई? इन फूड को लेने से, इन जो फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको खाने से आपकी बॉडी ग्रो करती है, आप छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फूड जिनसे हमारी बॉडी ग्रोथ होती है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? मिल्क, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बने हुए जो चीजें हैं, ठीक है, दूध है, दही है, ठीक है, पल्सेस है, दाल, ये सब भी खाना चाहिए भाई हमें, इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अभी आप छोटे हैं तो आपको भाई दूध पीना चाहिए, हम भी पीते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है उससे और हमारी बॉडी ग्रो करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? कि बहुत सिंपल है, बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें हम थ्री टाइप्स ऑफ फूड, ये जो अभी हमने पढ़ा थ्री टाइप्स ऑफ फूड, ये थ्री टाइप्स ऑफ फूड होने चाहिए हमारे खाने में। जो भी हम भोजन खाते हैं उनमें ये थ्री टाइप्स ऑफ फूड होने चाहिए, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए थोड़ा, थोड़ा प्रोटेक्टिव फूड होना चाहिए और थोड़ा बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी जरूरत है, ठीक है, वो उनको मिल जाए, हमारे बॉडी को मिल जाए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट में ये थ्री टाइप्स ऑफ फूड थोड़े थोड़े अमाउंट में होने चाहिए, ठीक। और बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, इससे आपका बॉडी फिट होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर नंबर 3 गेन एन हेल्दी बॉडी। तो आप भी सुबह जल्दी उठेंगे, बाकी काम जो है अपने करेंगे, फ्रेश होंगे, ठीक है, ब्रश करेंगे, इसके बाद भाई हाथों को वॉश करेंगे, नहाएंगे, साफ करेंगे अपनी बॉडी को, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ये सभी चीजें करेंगे तभी आप जो है बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी जान रहे ना कोरोना फैला हुआ है, तो हम लोग अपने बॉडी को जितना हो सके उतना भाई साफ सुथरा रख रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, ताकि हमको कोई भी डिजीज ना हो। इसलिए आप भी अपनी बॉडी को साफ रखिए और हेल्दी रखिए। ओके, थैंक यू।